चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। गुलाम वंश के प्रारंभिक चार शासकों का अनुक्रम बताइए। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद आराम शाह है, फिर शमसुद्दीन, फिर उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तंजावुर का शिव मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? ये था राज राजा। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद, याद रखिए। अगला है, अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की विभत्सता का वर्णन करता है? 13वां शिलालेख। अगला है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। अगला है, अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी? 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। अगला है, बिम्बिसार किस वंश के शासक थे? हरेक वंश के। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? श्री गुप्त को। अगला है, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था? ये था जहांगीर की अनुमति से। अगला क्वेश्चन है, प्रथम छह मुगल सम्राटों का सही क्रम क्या है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अगला है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। अगला है, किस आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा लूटा? तो यह है नादिर शाह ने। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने परास्त किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, अशोक कालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई थी? जेम्स प्रिंसेप को। अगला है, अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था? पेशवा को। अगला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कौन सी थी? सूरत। अगला है, देशी राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता के प्रभुत्व का अंत किससे हुआ है? तो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम से। अगला है, संगम साहित्य की रचना किसके राजकीय संरक्षण में की गई? तो है पांडव संरक्षण में। अगला है, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे? उपगुप्त के प्रभाव में आकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त युग के किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ? तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 320 ईस्वी में। अगला, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने 1511 ईस्वी में कृष्ण देव राय के साथ मित्रता की संधि की थी? अल्मोड़ा ने। अगला है, गोलकुंडा के राजा कहलाते थे? कुतुब शाही। अगला है, एपिग्राफी से क्या अभिप्राय? शिलालेखों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? आग ऐतिहासिक काल से। अगला है, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सुरकोटदा क्रमशः कहाँ है? राजस्थान, सिंध, पंजाब, गुजरात में। अगला है, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हुआ मुस्लिम व्यक्ति कौन था?
नसरुद्दीन खुसरो। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? राजा मानसिंह ने। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में तीन प्रमुख शहरों कलकत्ता, मद्रास व मुंबई में हाईकोर्ट स्थापित हुए थे? जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की एक संधि की थी, अवध के उस नवाब का क्या नाम था? शुजाउद्दौला। अगला है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने की साक्ष्य सूची हुआ है? तो यह रंगपुर लोथल से। अगला है, किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? सर जॉन मार्शल ने। अगला क्वेश्चन है, कालिदास के प्रमुख ग्रंथ हैं अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, ऋतु संहार, कुमार संभव, पुष्प वाण विलासम। अगला है, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक के 37 वर्ष के लंबे शासनकाल में सिर्फ एक अमीर ने राजद्रोह किया था, वह कौन था? ये था शमसुद्दीन दमगानी। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटमार के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और यह आक्रमण किसके शासनकाल में किए गए? मलिक कपूर ने, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के अकेला सैंधव नगर कौन सा था? चंदचूर। अगला है, सैंधव सभ्यता के किस संग्रह से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए? सुरकोटदा। अगला है, किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया? अथर्व वेद में। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल राजस्व प्रबंधन के प्रवर्तक थे? राजा टोडरमल। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? शेर शाह सूरी के शासनकाल में। अगला है, स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने। अगला है, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई? छापामार युद्ध पद्धति, युद्ध नीति। अगला है, संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल। अगला है, पहली दूसरी तीसरी तथा चौथी संगीतिया क्रमशः कहाँ हुई थी? गिरिब्रज, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर में। अगला है, चीनी बौद्ध यात्री हैंसंग वांग हून सी इत्सिंग तथा फैयान के भारत आगमन का ऐतिहासिक क्रम क्या है? फाहियान, हेनसांग, वांग हून सी तथा इत्सिंग। अगला है, राजकुमार सलीम के भड़काने पर किसने अकबर के कार्यालयी इतिहास लेखक अबुल फजल की हत्या की थी? वीर सिंह मुंदेला ने। अगला है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया, इस फारसी अनुवाद को क्या कहा गया? रजमनामा। अगला है, हम्पी विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर, वरदराज मंदिर तथा कृष्णा स्वामी मंदिर किस शासक ने बनवाए? कृष्ण देव राय ने। अगला है, भारत में पुर्तगाली राजधानी कहाँ थी? गोवा में। अगला है, कालासोर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 13 वर्ष। अगला है, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जाफर। अगला है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता मैंडेविड हरे तथा एलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, शेख मुइनुद्दीन बख्तियार काकी तथा फरीद उद्दीन गज ये शंकर कौन थे? प्रसिद्ध चिश्ती संत। अगला किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी?
हड़प्पा के उत्खनन में। अगला है, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला है, महात्मा बौद्ध का जन्म निर्वाण निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुई? वैशाख पूर्णिमा को। अगला है, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? संस्कृत में। अगला है, मंगोलों ने सबसे किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था सबसे पहले? तो इल्तुतमिश के शासनकाल। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माण शाला स्थापित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने।